हेलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास। हमने आप लोगों के साथ में एक DPP शेयर की है एरर के कंसेप्ट के ऊपर। आप सभी लोग उस DPP की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो मुझसे डिस्कस करें। एरर का जो टॉपिक है आप लोगों का बेटा, वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। एरर का टॉपिक आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। एरर में कुछ भी नहीं बचा है आपके पास में। मैं सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ बेटा। अब एरर के बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे बेटा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ थोड़ा सा आप लोगों का पसंदीदा काम है। यहाँ थोड़ा सा याद करने वाला काम है, थोड़ा सा रटने वाला काम है। चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जितना आप अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे उतना बढ़िया करके आप डायमेंशन को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर काम है फॉर्मूलों को याद करना और डायमेंशंस को याद करना। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। देखो यार, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें ना गॉड गिफ्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें गॉड ने हम लोगों को गिफ्ट में दे दी हैं, वो नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, नहीं ऐसे ही आप ये समझिए कि फिज़िक्स में 7 क्वांटिटी हमारे पास में ऐसी हैं, 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जिन्हें हम पिलर्स ऑफ फिज़िक्स बोल सकते हैं, फिज़िक्स के पिलर्स बोल सकते हैं। पूरी की पूरी फिज़िक्स उन्हीं 7 क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, उन्हीं 7 क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। हम कोई भी यूनिट फाइंड आउट करें, हम कोई भी डायमेंशन फाइंड आउट करें, तो उन 7 क्वांटिटीज़ का रोल डेफिनेटली रहने ही वाला है बेटा। उस 7 क्वांटिटीज़ का रोल हर कंडीशन में रहने ही वाला है। तो आप ये समझिए कि फिज़िक्स के अंदर हमारे पास में 7 कॉलम्स हैं जिन पर ये पूरा फिज़िक्स रूपी मकान हमारा टिका हुआ है। यानी ये जो हमारी फिज़िक्स का पूरा भार है ना बेटा, ये 7 कंधों पर टिका हुआ है। वो 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, आइए उनकी बात करते हैं। कौन कौन सी हैं वो 7 क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, अब आप ये देखें कि वो 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ फंडामेंटल, हम लोग उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम उन्हें बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, गॉड गिफ्टेड क्वांटिटी, वो 7 क्वांटिटी जिन पर फिजिक्स पूरी टिकी हुई है। या हम एक और नाम से उन्हें पुकारते हैं और वो है बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, या उन्हें बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी हैं वो बेस क्वांटिटीज़। नंबर वन है बेटा मास। नंबर टू है लेंथ। नंबर थ्री है हमारे पास में टाइम। नंबर फोर है हमारे पास में करंट। नंबर फाइव देखिए आप लोग ध्यान से, नंबर फाइव है हमारे पास में टेम्परेचर। ओके, नंबर सिक्स है हमारे पास में मोल। और नंबर 7 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस मोल को हम क्वांटिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा आप ये समझिए कि ये 7 वो क्वांटिटी हैं जिन पर हमारी की पूरी फिजिक्स बेस्ड है। पूरी फिजिक्स हमारी इन 7 क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल, या दूसरा नाम है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और फाइनली है हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि इन 7 क्वांटिटीज़ में से हम कौन सी क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
मास की जो डायमेंशन है बेटा हमारे पास में, जहां भी मास आएगा हम मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां भी लेंथ आएगा डायमेंशन के टर्म में, ये हमारे पास में है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, चाहे वो कोई भी लेंथ हो, चाहे वो कोई भी लेंथ हो। जैसे रेडियस भी एक तरीके की लेंथ है, डायमीटर भी एक तरीके की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ है। चाहे कैसी भी लेंथ क्यों ना हो, हर एक लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कैपिटल टी से, मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, कैपिटल ए, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से, मोल को हम मोल से भी दिखाते हैं और कई बार एन से भी दिखाते हैं बेटा। मोल को हम डायरेक्ट मोल से भी दिखाते हैं और कई बार स्मॉल एन से भी दिखाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम सी डी कैंडला से शो करेंगे बेटा, सी डी कैंडला से शो करेंगे। ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये हैं उनकी डायमेंशंस, ये उनकी डायमेंशंस है बेटा, ठीक है। आप लोगों को कम से कम ये 7 तो बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनकी डायमेंशंस क्या हैं। वीडियो को यहीं रोक दें, पॉज कर लें और इन्हें कम से कम 3 बार अपनी कॉपी में आप लोग लिख कर देखें कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और इनकी डायमेंशन कौन सी हैं। यहीं पॉज करके कम से कम 3 बार लिख कर देखें। ओके बेटा, तो हम लोगों ने ये बात कर ली है डायमेंशंस की, फंडामेंटल क्वांटिटीज की और उनकी डायमेंशंस की। अब हम बात करते हैं फर्दर डायमेंशंस की। जैसे कि आप देखिए बेटा, नंबर 1 पर मेरे पास में आता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या रेडियस। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो या रेडियस हो, इन सब की डायमेंशन रहने वाली है कैपिटल एल, इन सब की डायमेंशन कैपिटल एल रहेगी। नंबर 2 है बेटा मेरे पास में स्पीड, या हम लिख सकते हैं इसे वेलोसिटी, स्पीड कह सकते हैं या वेलोसिटी कह सकते हैं। इन दोनों की डायमेंशन रहेगी सेम। कैसे? अब आप क्या तो स्पीड का फॉर्मूला बताइए या वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला है बेटा। अब डिस्टेंस की डायमेंशन होती है हमारे पास में कैपिटल एल और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। देखो ध्यान से, डिस्टेंस की डायमेंशन है कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। कैपिटल टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, ये हमारी स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन है बेटा। नंबर 3 पर हम लोग आते हैं, नंबर 3 है हमारे पास में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो बेटा, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप ये देखो, वेलोसिटी की डायमेंशन हम क्या निकाल चुके हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं एल टी माइनस वन, स्पीड की डायमेंशन भी यही है और वेलोसिटी की डायमेंशन भी यही है। अपॉन में है हमारे पास में टाइम, है ना अपॉन में टाइम। जैसे ही टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। अब आते हैं बेटा हम नंबर 4 पर, नंबर 4 पर है हमारे पास में फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब आप एक बात देखो, जब फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन है तो मास की डायमेंशन तो कैपिटल एम ही होगी। अभी मैं आपको बताकर आया हूँ मास की डायमेंशन तो कैपिटल एम ही रहने वाली है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या रहेगी।
एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी LT-2, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी LT-2. सो हमारे पास में फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी MLT-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. ओके, नंबर पांच पर हम लोग आते हैं बेटा. नंबर पांच है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. लीनियर मोमेंटम, अब आप देखो बेटा लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी. लीनियर मोमेंटम को हमने यहाँ दिखाया पी से. ओके, ये बताइए एम क्या है. एम है मास, और मास की डायमेंशन है हमारे पास में एम. वी क्या है, वी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन है हमारे पास में LT-1. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये हमारी लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन होगी बेटा MLT-1. ये बिल्कुल बेसिक डायमेंशन है जिनका बार 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 आपके सामने यूज होगा बेटा, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी डायमेंशंस को याद रखें कि डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, रेडियस की डायमेंशन क्या है, स्पीड की क्या है, एक्सीलरेशन की क्या है, फोर्स की क्या है, लीनियर मोमेंटम की क्या है. हर एक डायमेंशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा. अब आते हैं नंबर सिक्स पर. नंबर सिक्स पर है हमारे सामने एरिया. एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ. वैसे तो एरिया के हजारों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है. अब एरिया चाहे किसी भी शेप का हो, सबकी डायमेंशन सेम होगी. क्या होगी एरिया की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन होगी भाई ये क्या है, लेंथ, और ये भी एक तरीके से लेंथ ही है, भले ही इसका नाम ब्रेथ हो लेकिन शो तो ये लंबाई को ही करता है. तो L इंटू एल हमारे पास में एरिया की डायमेंशन आ जाएगी बेटा L स्क्वायर. दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया. नंबर सेवन, नंबर सेवन है हमारे पास में वॉल्यूम. कोई भी फॉर्मूला लिख दो वॉल्यूम का जो आप लोगों को याद हो, कोई भी फॉर्मूला आप लोग यहाँ वॉल्यूम का लिख दीजिए. अब आप देखिए ये भी एक तरीके से लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये भी लंबाई है. तीनों की तीनों अगर लेंथ है तो ये हो गई तीनों की डायमेंशन. मास और टाइम का कोई टर्म यहाँ नहीं आया, तो हमारे पास में वॉल्यूम की डायमेंशन बन गई L³, एरिया की डायमेंशन बन गई L². ये लीनियर मोमेंटम है बेटा हमारे पास में, ठीक है. आप लोगों को दिख रहा है अच्छे तरीके से. नंबर एट, नंबर एट है भैया हमारे पास में डेंसिटी. डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों ने सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद कर ली, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और ये छः सात डायमेंशन ये बेसिक बेसिक आप याद कर लो, या जैसे मैं निकालना आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप निकालना सीख लो. सब डायमेंशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, और फॉर्मूले जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको क्लियरिटी आती जाएगी बेटा, ठीक है. अब आप देखो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम. वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, अभी निकाली है L³, तो ये बन जाएगा हमारे पास में M L²-3. दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी. जल्दी से नोट करिए, आगे बताते हैं आपको और डायमेंशंस बेटा. इन सभी डायमेंशंस को बार बार याद करिएगा और अपनी कॉपी में रिपीट कर करके देखिएगा बेटा, जब ही आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होंगी, ठीक है. ओके, अब आते हैं हम डायमेंशन नंबर नाइन पर.
देखो डायमेंशन नंबर 9 पर है हमारे सामने प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब आप देखो ध्यान से बेटा, हमने आपको फोर्स की डायमेंशन क्या बताई अभी जस्ट लास्ट पेज पर, हमने आपको फोर्स की डायमेंशन बताई MLT-2। ये हमने आपको फोर्स की डायमेंशन बताई है बेटा, MLT-2 अपॉन में है आपके पास में एरिया। एरिया की डायमेंशन होगी एल स्क्वायर, एल से स्क्वायर कैंसिल आउट, एल यहां से जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ML-1 T-2। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये हमारी रहने वाली है बेटा प्रेशर की डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट नंबर 10 पर हमारे सामने आता है एंगुलर मोमेंटम। देखो भले ही आप लोगों ने इनका नाम अभी तक ना सुना हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप सिर्फ डायमेंशन निकालने का तरीका समझिए कि डायमेंशन में निकाल कैसे रहा हूँ, फिर तो आप लोगों से खुद ब खुद डायमेंशन निकालनी अपने आप आ जाएगी जैसे जैसे फॉर्मूले आपको पता चलते जाएंगे। टर्म का नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से और फॉर्मूला होता है MVR। तो अब आप देखिए, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से, एम क्या है मास, और मास की डायमेंशन होगी हमारे पास में कैपिटल एम। वी क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी हमारे पास में LT-1। आर क्या है, आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस या रेडियस या डिस्टेंस, रेडियस हो या डिस्टेंस हो दोनों लंबाई को शो करते हैं, तो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकल कर आई ML2T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नंबर 11 बेटा, नंबर 11 है हमारे सामने वर्क। वर्क की डायमेंशन हम देखेंगे क्या होगी। वर्क डन, पहली बात तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मूला आप लोगों को पता नहीं है, अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क का फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो जरा कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू, भाई ये क्या है आपके सामने फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास में MLT-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास में एक्स, एक्स का मतलब है लंबाई, यहां लिख दिया मैंने लेंथ। बात समझ में आ रही है, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकल जाएगा हमारा ML2T-2। बेटा फोर्स की डायमेंशन तो रटी भी होनी चाहिए आप लोगों को, ML T-2। फोर्स की डायमेंशन तो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए ML T-2। तो ये हो गया हमारे पास में डायमेंशन ऑफ वर्क डन। नंबर 12, नंबर 12 पर हम लोग आते हैं और डायमेंशन निकालते हैं बेटा एनर्जी की। आपको एनर्जी का अगर कोई भी फॉर्मूला याद हो, कोई भी फॉर्मूला एनर्जी का, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सबकी डायमेंशन सेम है, भले ही फॉर्मूला उसका कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी एनर्जी का नाम आएगा, जब भी एनर्जी का नाम आएगा आप यही डायमेंशन यूज़ करेंगे बेटा। कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला जो आपके याद हो, हमारे याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ MV², ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ये जो हाफ आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, ये है कांस्टेंट और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मैंने इसे हटा दिया यहाँ से। एम, एम का मतलब है मास, मैंने यहाँ रखा। वी, वी का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन चुका है हमारे पास में M L2 टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2।
दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। और देखो ध्यान से, जो डायमेंशन वर्क की है बिल्कुल वही डायमेंशन एनर्जी की है, दोनों की डायमेंशन सेम है। चाहे कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, चाहे कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन हमारी यही रहने वाली है बेटा, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम 13 नंबर पर। 13 नंबर पर एक बढ़िया सा नया सा नाम आपके सामने आएगा, टॉर्क। टॉर्क, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर। ये इसका फॉर्मूला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बेटा फॉर्मूलों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायमेंशन निकालने के तरीके पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ेंगे। अब देखो हम निकालते हैं जरा इनकी डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू, भाई ये क्या है हमारे पास में, फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, MLT-2। और ये क्या है, R। R का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है, L। बात समझ रहे हो बेटा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ML2T-2। ML2T-2। अब कमाल की बात ये है कि जो डायमेंशन वर्क की है बिल्कुल वही डायमेंशन एनर्जी की है, और बिल्कुल वही डायमेंशन टॉर्क की है। तो ध्यान से बात सुनिए, जिनकी डायमेंशन आपस में सेम होती हैं उन क्वांटिटीज़ को हम कोहेरेंट बोलते हैं बेटा, कोहेरेंट क्वांटिटीज़। कोहेरेंट क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन होती है सेम, उन्हें इस प्यारे से वर्ड से जाना जाता है, और इस वर्ड का मतलब है कोहेरेंट यानी आइडेंटिकल। इन तीनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है, यानी इन तीनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपस में कोहेरेंट है। ओके, कर ये जल्दी से नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट 14। मतलब मैं थोड़ा सा सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप रटो नहीं इन्हें, आप थोड़ा सा ना मतलब समझ लो चीज़ों को कि किस तरीके से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और फॉर्मूला होता है हमारे पास में MR2। अब आप देखो बेटा, अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूँ तो बताइए कैपिटल एम की डायमेंशन क्या होगी। कैपिटल एम यानी मास, और मास की डायमेंशन तो भाई एम ही होती है, बताओ होती है या नहीं होती है। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है लेंथ, आर का मतलब रेडियस या लेंथ से ही है, जिसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास में L2। तो ये बनेगी हमारी डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई नेक्स्ट है हमारे पास में पावर। पावर बेटा, पावर का फॉर्मूला जो होता है अपने पास में वो है एनर्जी अपॉन टाइम। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पावर का जो फॉर्मूला है अपने पास में वो है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास में पावर का फॉर्मूला है। अब एनर्जी की डायमेंशन मैं जस्ट अभी आपके सामने निकाल कर आया हूँ भाई, ये है एनर्जी की डायमेंशन ML2T-2, और अपॉन में यहाँ एक और टाइम है। अब जैसे ही हम इसको इससे डिवाइड करेंगे आंसर निकलेगा हमारा ML2T-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। अब जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब की डायमेंशन तो आपको बेटा कंठस्थ रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखनी पड़ेगी, कहीं भी कभी भी कैसे भी उनकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ सकती है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी डायमेंशन तो आपको हर समय याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देखिए 16th नंबर पे हमारे सामने आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। 16th नंबर पे हमारे पास में आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भले ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन एक्सीलरेशन तो है ही भाई, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी भी एक तरीके से एक्सीलरेशन ही होती है। तो बेटा ग्रेविटी की डायमेंशन भी हमारी बन जाएगी LT माइनस 2, क्योंकि ग्रेविटी भी एक तरीके से एक्सीलरेशन ही है, तो उसकी डायमेंशन बन गई हमारे पास में LT माइनस 2। नेक्स्ट 17th नंबर पे हम आते हैं, इस बार है हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर मैं बात करूं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, gm1m2/r2। याद रखिएगा बेटा, ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। मुझे यहाँ से चाहिए कैपिटल जी की डायमेंशन मुझे यहाँ से चाहिए। तो कैपिटल जी की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास में, वो निकलेगी fr² / m1 × m2। ये वैल्यू हमारे सामने निकल कर आएगी बेटा, fr² r² को इधर ले गए, m1 m2 को अपॉन में ले गए। अब आप देखो, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू भाई एफ क्या है, एफ है फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, जो आपको हर समय याद होनी चाहिए। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन होती है L² m1 और m2, m1 भी मास है और m2 भी मास है, इन दोनों की डायमेंशन है m और m, इससे ये कैंसिल आउट। जब इस m को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा m-1 L × L² L³ और ये बन गया बेटा T-2। तो हमारे पास में डायमेंशन बनी m-1 L³ T²-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या पूरा नाम होता है इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बन जाए डायमेंशंस को लेकर, इसीलिए मैं इतनी सारी डायमेंशंस आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, करिए जल्दी से नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट डायमेंशन क्या है बेटा हमारे पास में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय एफ, और इसका फॉर्मूला होता है 1/T। ये हमारे पास में ध्यान से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। सो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ जाएगी, ये बताइए टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टी, और जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी T-1। ओके बेटा, नेक्स्ट अब आते हैं पॉइंट नंबर 19 पर। अगला टर्म हमारे पास में आता है एंगुलर, ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है 2πf। सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, देखो बेटा ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, बचा सिर्फ हमारे पास में एफ।
और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है ये, तो ओमेगा की डायमेंशन भी हो जाएगी हमारे पास में t-1। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो चुकी है हमारे पास में डायमेंशन ऑफ ओमेगा यानी t-1। 20th नंबर पे हम लोग आते हैं बेटा, नए पॉइंट का नाम है सरफेस टेंशन। नए पॉइंट का नाम है हमारे पास में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टी से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये हमारी सरफेस टेंशन है। अब आप देखो, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, अब आप मुझे ये बताइए फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। फोर्स की डायमेंशन है mLt-2। ओके बेटा, नीचे क्या है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी L, L से L कैंसिल आउट, ये बन गया हमारे पास में mT-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, 21 पर आते हैं। 21 पर है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये 21 है बेटा हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करनी है, ठीक है। मैं आपके सामने पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू 6πηRV। देखो बेटा ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाएगा। हमें इसकी डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन RV। विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी बेटा हमारे पास में। 6 और पाई को मैंने यहाँ से हटा दिया और इसकी डायमेंशन निकालने के लिए R और V को हम इसके अपॉन में लेकर चले गए। अब आप देखो बेटा, फोर्स की डायमेंशन कितनी आपके पास में होने वाली है। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास में होने वाली है mLt-2, समझ रहे हो। R की डायमेंशन होगी लेंथ, V यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी यानी lt-1, ठीक है। करिए कैंसिल आउट और देखिए क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। भाई L से तो ये L कैंसिल आउट हो गया, L को ऊपर लेकर जाओ तो ये बना अभी हमारे पास में mL-1। t-1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा t-1। लो बेटा, ये रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा और ये कहलाएगी हमारी डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आप बस एक तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिए कि कैसे हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22 पर। एग्जाम्पल नंबर 22 है हमारे पास में क्यू, और बेटा क्यू का नाम होता है चार्ज। ओके, ध्यान से, चार्ज का जो फॉर्मूला हमारे पास में रहता है वो है IT। I यानी करंट और T यानी टाइम। सो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू IT। अब आप देखिए बेटा, I की जो डायमेंशन है वो है एम्पियर और T की डायमेंशन है कैपिटल T। तो ये हो गई हमारे पास में डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये हो गई हमारे पास में डायमेंशन ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल नंबर है 22, चार्ज की डायमेंशन है 80। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 पर हम लोग आते हैं बेटा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 क्या है हमारे पास में, ध्यान से, हमें निकालनी है वोल्टेज की डायमेंशन। ध्यान से, हमें निकालनी है वोल्टेज की डायमेंशन। वोल्टेज का जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ये हमारे पास में वोल्टेज का फॉर्मूला है बेटा। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वोल्टेज
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन चार्ज। अब बेटा याद करिए मैंने वर्क की क्या डायमेंशन आपको लिखवाई, मैंने वर्क की डायमेंशन आपको लिखवाई ML2T-2, समझ रहे हो। और चार्ज की डायमेंशन है हमारे पास में AT, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दोनों को ऊपर ले जाओ, हमारे पास में बनेगा ML2T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। ये हमारी वोल्टेज की डायमेंशन निकल कर आएगी, ये हो गई है चार्ज की डायमेंशन और ये हो गई है वोल्टेज की डायमेंशन। नंबर 24 पर है कैपिटल आर। बेटा कैपिटल आर का जो नाम है हमारे पास में वो है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। कैपिटल आर का जो नाम है हमारे पास में वो है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। V यानी वोल्टेज और I यानी करंट। अब आप ये देखो वोल्टेज की डायमेंशन क्या है आपके पास में, ये रही ML2T-3 A-1 / A। ओके, अब जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे आंसर बनेगा बेटा हमारे पास में ML2T-3 A-2, ये निकल कर आएगा हमारे पास में रिजल्ट। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गई है वोल्टेज की डायमेंशन, ये हो गई है रेजिस्टेंस की डायमेंशन, और ये हो गई है चार्ज की डायमेंशन। बस थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस में रहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें रटो याद करो, ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे फॉर्मूले आपको पता चलते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप लोगों की समझ में सब कुछ आता जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को बना रहे हैं, कैसे हम डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे हम डायमेंशन निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके चलिए आज की हम लास्ट डायमेंशन पर आते हैं, डायमेंशन नंबर 25। आज की जो लास्ट डायमेंशन है हमारे पास में वो है प्लैंक कांस्टेंट। आज की जो लास्ट डायमेंशन है हमारे पास में वो है प्लैंक कांस्टेंट। बेटा फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू HF, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू HF। इस H को हम यहाँ बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ये H हमारा यहाँ कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट। तो अब आप ये देखो कि H की डायमेंशन हमारी क्या निकलेगी, डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू E/F, ये हमारी डायमेंशन निकल कर आएगी। अब E क्या है भाई हमारे पास में, E है एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन होती है ML2T-2, समझ रहे हो। F क्या है, F है फ्रीक्वेंसी, और मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है T-1, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। अब जैसे ही हम यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन बनाएंगे बेटा रिजल्ट निकल कर आएगा हमारा ML2T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें, करिए आप लोग नोट डाउन बेटा। 25 डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 वो क्वांटिटीज जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स हमारी बेस्ड है, मास लेंथ टाइम करंट मोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, और टेम्परेचर, ये सारी हमारी 7 वो क्वांटिटी हैं जिनके ऊपर फिजिक्स हमारी बेस्ड है। उम्मीद है कि ये सभी 7 की 7 क्वांटिटीज आप लोगों को समझ आई होंगी अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आपको इनमें नहीं होगी। उसके बाद हमने आपको बताए हैं बेटा 25 एग्जाम्पल डायमेंशंस के ऊपर, उनमें कुछ बेसिक डायमेंशन भी हमने आपको बताई है और कुछ अच्छी डायमेंशन भी हमने आपको बताई है। अब ये 25 के 25 एग्जाम्पल आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रट लीजिए इन्हें, नहीं,
लेकिन हाँ प्रैक्टिस करके आप लोगों को जरूर देखना है। और ये जो पांच डायमेंशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना बेटा, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1, एक्सीलरेशन की डायमेंशन है LT-2, फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, एनर्जी की डायमेंशन है ML2T-2, और लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो है MLT-1। अगर आपको अच्छी प्रॉब्लम बनानी है तो ये पांच डायमेंशन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क यही है कि इन्हें आप सभी को लिख कर देखें, कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट बनाएं। ओके।